हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज हम बात करेंगे होंडा सिटी 4 जनरेशन के बारे में। यूजुअली लोग होंडा सिटी 4 जनरेशन के बारे में बात नहीं करते क्योंकि आपको 13-14 लाख में होंडा सिटी का 5th जनरेशन मॉडल मिल जाता है जो 4th जनरेशन का अपडेटेड मॉडल है। और अगर आपको 5th जन ले नहीं पाते हो, आप प्रॉब्लम हो जाता है पैसों का, तो आपके पास है होंडा अमेज का टॉप एंड मॉडल VX मॉडल जो आप ले सकते हो अराउंड 10-11 लाख में। तो 4th जनरेशन कौन लेता है? ऐसे भी लोग हैं जो 4th जनरेशन लेना चाहते हैं, उसके डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और जो उसका ओवरऑल डायनामिक्स है उससे भी बहुत ज़्यादा खुश है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। या जो 5th जनरेशन लेना भी चाह रहा है उनको भी ये वीडियो देख सकते हैं। गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों चीज़ के बारे में बात करूँगा, अच्छी चीज़ों के बारे में बात करूँगा, आपको बताऊँगा कि प्रॉब्लम्स क्या है इस कार में जो आप फेस कर सकते हो, और अच्छी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जहाँ पे आप ये कार लेने के बाद बहुत खुश रहोगे क्योंकि ऐसे फीचर्स और ऐसे चीज़ें हैं इस कार में जिससे आपको किसी तरह का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो एंड तक देखिए वीडियो क्योंकि यहाँ पर मैं दोनों चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। पहला चीज़ है, हम पहले प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद मैं अच्छी चीजों के बारे में बोलूंगा आपको। पहला प्रॉब्लम मुझे इस कार में लगता है, नॉट ओनली विथ होंडा सिटी, जितने भी होंडा के कार्स है विच हैज आईवी टेक इंजन 1.2 लीटर या 1.5 लीटर, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो लो एंड पावर है वो थोड़ा सा कम है। आईवी टेक इंजन बहुत अच्छे से रेव्स को बिल्ड करते हैं, वो आईवी टेक इंजन उसके लिए जाने जाते हैं, बट उसका जो लो एंड पावर है, मे बी आप ट्रैफिक में जब चलाते हो आपको ऐसा लगता है कि पावर में थोड़ा सा कमी है, शायद और थोड़ा पावर होता तो अच्छा रहता, तो वो आपको फील होगा। बट वंस यू गेट यूज टू इट यू विल अप्रिशिएट कि किस तरह से इंजन रेव करता है। सो दैट इज समथिंग यू शुड नो बिफोर बाइंग होंडा सिटी। तो अगर आप ज़्यादा ट्रैफिक में चलाते हो तो एक बार चला के देख लीजिए, अगर आपको ठीक लगता है चलाने के बाद तो यू कैन गो फॉर इट। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे इस कार से प्रॉब्लम है, मेरे को ये होंडा अमेज में भी नहीं दिखा है, 5th जन होंडा सिटी में भी ये मुझे नहीं देखने को मिला है। तो ये है कि होंडा सिटी 4th जन का जो स्लोपिंग रूफ लाइन है उससे ना आपको हेडरूम में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपका हाइट 6 फीट है या आप शॉफर ड्राइव करते हो, आपके कोई ड्राइवर है और आप पीछे बैठते हो, जिसके लिए भी लोग होंडा सिटी खरीदते हैं क्योंकि लेग स्पेस बहुत है, प्रॉब्लम ये है कि आपको जो हेडरूम है ना वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपका हाइट अगर 6 फीट के ऊपर है तो आपका हेड जो है वो डेफिनेटली रूफ को टच होगा क्योंकि उसका जो स्लोपिंग रूफ लाइन डिज़ाइन है उससे आपको हेडरूम में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा एक बार खरीदने के पहले कार में रेयर सीट में एक बार बैठ के देखिए कि आपका जो हेडरूम है वो अच्छा आपको मिलता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट देखने को मिलता है, तो हेडरेस्ट भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, एडजस्ट नहीं कर सकते हो, तो इससे आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं क्योंकि बाकी कोई भी चीज़ देख लो आप होंडा सिटी के रेयर सीट में, सब कुछ अच्छा है, अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, शोल्डर रूम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बस ये है कि आपको हेडरूम और जो नेक सपोर्ट है वो देखने को नहीं मिलेगा अगर आपका हाइट 6 फीट से ऊपर है। तो ट्वेंटी सेवनटीन में जब फेसलिफ्ट आया होंडा सिटी का, क्योंकि 2014 में ये लॉन्च किया गया था 4th जनरेशन होंडा सिटी, फिर 2017 में एक फेसलिफ्ट मॉडल आया था, उस टाइम मेरे को सस्पेंशन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा, सॉफ्ट सस्पेंशन था, ग्राउंड क्लियरेंस का भी इशू होता था, बट 2019 या 2020 के मॉडल से उन्होंने सस्पेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ कर दिया, ठीक है, इससे ग्राउंड क्लियरेंस का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। लोग हमेशा बोलते हैं कि होंडा सिटी में ग्राउंड क्लियरेंस का प्रॉब्लम होता है, इसके बाद आपको किसी तरह का ग्राउंड क्लियरेंस का इश्यू देखने को नहीं मिलता है, जो बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम ये है कि सस्पेंशन इतना ज़्यादा स्टिफ हो चुका है और इतना अनकंफर्टेबल हो जाता है सिटी में, स्पेशली अगर कार में फुल लोड है, 5 लोग अगर बैठे हैं तो पीछे जो बैठे हुए हैं उनका जो, अगर खड्डों में आप गाड़ी को लेके जाओगे ना तो पूरा जो बम्स और शॉक है वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा जो रेयर पैसेंजर बैठे रहते हैं उनके बैक पर। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा, शायद इसको इम्प्रूव कर सकते थे क्योंकि ये कंफर्टेबल फैमिली कार है, क्योंकि अगर ये कोई स्पोर्टी कार होता तो मैं मान जाता, बट ये फैमिली कार है और स्पेशियस कार है, तो आई थिंक सस्पेंशन थोड़ा सा सॉफ्ट होता तो अच्छा रहता, बट होंडा को ये करना पड़ा क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस के बहुत सारे कंप्लेंट्स और इश्यूज आ रहे थे इस कार में।
नेक्स्ट चीज है हेडलाइट्स, जो यूजुअली सारे कार्स में आज के टाइम पे प्रॉब्लम देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको एलईडी सेटअप तो मिलता नहीं है, हैलोजन बल्ब्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इस ये कार लेते हो या कोई भी कार लेते हो, मैं आपको एलईडी बल्ब्स सजेस्ट करूंगा जो लीगल है, आप लगा सकते हो कोई भी कार में, आपको चलान नहीं लगेगा और आपका लाइट भी इंप्रूव हो जाएगा। वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओसराम ब्रांड का जर्मन ब्रांड है, उसके लाइट्स है, उतने महंगे नहीं है, वो प्लग एंड प्ले है, आप भी लगा सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक पोस्ट किया है। तो हेडलाइट जो है वो उतना पावर आपको ऑफर नहीं करता है, तो वो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा खरीदने के बाद। तो मेक श्योर दैट द हेडलाइट्स आप एलईडी में इसको चेंज कर दीजिए। इसमें एक और चीज है जो मैंने नोटिस किया है, इस कार में इंजन का इंसुलेशन नहीं दिया है। अब आपको स्पोर्टी ड्राइविंग करना पसंद है, आप बार बार रेव करते हो, हायर आरपीएम में लेके जाते हो, तो आपको उसका इंजन का साउंड सुनाई देता है, तो बहुत अच्छा लगता है। बट आपके फैमिली के साथ आप कहीं जा रहे हो, जो इंसुलेशन है ना, रोड नॉइज है, विंड नॉइज है, वो काफी अच्छा है, आपको कहीं पर भी सुनाई नहीं देता है। काफी कंफर्टेबल और रिलैक्सिंग कार है चलाने के लिए। बट प्रॉब्लम ये है कि जो इंजन का नॉइस है वो कैबिन पे अंदर आता है, क्योंकि कैबिन में इंजन इंसुलेशन नहीं दिया है। ये चीज़ फिफ्थ जनरेशन में दिया है उन्होंने, तो आई थिंक फोर्थ जनरेशन में भी देना चाहिए था, क्योंकि ये कंफर्टेबल प्रीमियम फैमिली कार है। वो एक चीज़ यहाँ पर मिसिंग है, तो वो आपको एक बार देख लेना पड़ेगा। बट अदर देन दैट, अगर आपको ऐसा मेजर साउंड तो नहीं आएगा कार के अंदर, बस ये है कि थोड़ा सा हमिंग साउंड आपको डेफिनेटली सुनाई देगा, और आप रेव करते हो तो वो डायरेक्टली कैबिन के अंदर आ जाता है, विच इज़ अगेन स्पोर्टी, बट एट द सेम टाइम जो प्रीमियम फील जाता है वो आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि कैबिन में थोड़ा साउंड आ जाता है। अब नेक्स्ट चीज़ है, बहुत सारे जो मैंने पॉइंट्स बोला है, बहुत लोग हैं जो इस बात से नहीं मानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस कार को पसंद करते हैं, बट ये जो मैं अभी पॉइंट बोलने वाला हूँ उससे बहुत सारे लोग एग्री करेंगे, ठीक है। होंडा सिटी जब लॉन्च हुआ था 2017 में, जब इसका अपडेटेड मॉडल आया था, वहाँ पर होंडा ने टच स्क्रीन सिस्टम ऑफर किया था, जो जिसका नाम था डिजीपैड। तो ये डिजीपैड सिस्टम जो है, अभी आपको डिजीपैड 2.0 के ऑप्शन में मिल जाता है, ये इतना बेकार सिस्टम है। मतलब ये नहीं बोलूँगा कि सिस्टम बेकार है, रेस्पॉन्सिव एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ आता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेकार बोलना गलत है। बस मुझे एक प्रॉब्लम है इसमें, कि इसका जो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है वो अच्छा नहीं है। एक तो जब आपको रिवर्स लेते हो, आप धूप में रहते हो ना, तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इसका स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है वो बहुत बेकार है। पुराने जो फ़ोन्स आते थे ना, उससे भी बेकार है। मे बी आप 7-8 साल पहले जो फ़ोन्स, टच स्क्रीन फ़ोन्स आते थे, उसके जो रेजोल्यूशन होते थे उससे भी ख़राब है। तो सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है, साउंड अच्छा है। साउंड की बात करें तो इसमें एक और सिस्टम है, आपको एक रोटेटिंग नॉब यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, तो वहाँ पे प्लस और माइनस का बटन रहता है, जहाँ पे आप वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। इसमें एक इरिटेटिंग चीज़ ये है कि वो जो बटन्स है उसका कैलिब्रेशन अच्छा नहीं। सेटिंग्स में जाके आप कर सकते हो, बट अगेन दैट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। आप प्लस बटन दबाते हो तो साउंड बहुत ज़्यादा हो जाता है, माइनस दबाते हो तो बहुत कम हो जाता है, तो आपको वो प्रॉपर वाला कंट्रोल नहीं मिलता है, क्योंकि इसका जो कैलिब्रेशन है वॉल्यूम का वो बहुत लंबा है। ये एक चीज़ मैंने नोटिस की, और रेजोल्यूशन बहुत खराब है। सिस्टम ठीक ठाक है, स्क्रीन का साइज थोड़ा बड़ा होता तो अच्छा रहता, थोड़ा छोटा लगता है, बट एट द एंड ऑफ द डे साउंड सिस्टम अच्छा है, बस ये है कि रेजोल्यूशन बहुत ही बेकार है। एंड आई थिंक होंडा को बहुत ही जल्दी इसको इम्प्रूव करके एक अच्छा सिस्टम देना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे हुंडई, किया, ये सारे ब्रांड्स इतने एडवांस सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं। होंडा के पास ऑलरेडी एडवांस्ड कार है, अगर वो एक अच्छा साउंड सिस्टम देंगे तो लोग अट्रैक्ट होकर डेफिनेटली खरीदेंगे। और ये सेम सिस्टम का जो प्रॉब्लम है रेजोल्यूशन का, मैंने फिफ्थ जनरेशन में भी नोटिस किया है। जैसे आपको मैंने बताया था, रेयर सीट में हेडरेस्ट का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे एक और इश्यू ये है कि आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट देखने को मिलता है। इतना कंफर्टेबल सीट है, अगर एक हेडरेस्ट अगर वो देते एडजस्टेबल तो बहुत अच्छा रहता, बहुत कंफर्टेबल रहता, बट होंडा ने डिसाइड किया कि ये देना ज़रूरी नहीं है। फिफ्थ जनरेशन में आपको देखने को मिलता है, बट यहाँ पे फोर्थ जनरेशन में देखने को नहीं मिलता है। फिफ्थ जनरेशन में ऐसा है कि वो एडजस्टेबल भी नहीं है जो बेस मॉडल में आता है, बस ये है कि अच्छा खासा आपको लेंथ मिल जाता है, ताकि आपके हेड या नेक को आप सपोर्ट दे सकते हो। बट यहाँ पे ये बहुत छोटा है, एंड आई थिंक इट इज़ प्रिटी यूजलेस अगर आपका हाइट अराउंड 6 feet से ऊपर है तो। सो यू हैव टू बी श्योर कि आप एक बार खरीदने के पहले सीट में बैठो, रेयर सीट में,
और आप एक बार देख लो, अगर आपको ठीक लगता है देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। अगर आप ड्राइव करते हो कार और आपके पीछे जो बैठते हैं वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको इससे प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली आपको किसी तरह का इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि होंडा सिटी 4 जनरेशन एक बहुत अच्छा कार है, प्रूवन कार है, इंडिया में बहुत टाइम से सेल पे है, तो अच्छी चीज़ों के बारे में हम डेफिनेटली अभी बात करेंगे। पहला चीज़ जो मुझे इस कार में बहुत अच्छा लगता है वो इसका डिज़ाइन। आप किसी एंगल से भी देखोगे तो आपको एक प्रीमियम फील देखने को मिलता है। एक होंडा सिटी ही एक ब्रांड है, लोग आपको जब होंडा सिटी में देखते हैं वो आप समझते हैं कि ये एक प्रीमियम कस्टमर है जो एक प्रीमियम ब्रांड की तरफ जाते हैं, तो वो ब्रांड इमेज होंडा ने बनाया इंडिया में सिटीज। तो आई थिंक इट्स अ डेफिनेटली वेरी शार्प लुकिंग कार, और अगर आपको डिज़ाइंस से आप सोच के देखते हो तो आपको इससे अच्छा कार नहीं मिलेगा इस सेगमेंट में, इस प्राइस में। स्पेस की बात करें, आप सामने बैठो, पीछे बैठो, कैबिन का जो कलर है, विंडो एरिया है, ग्लास एरिया है, और जिस तरह से होंडा ने एवरी इंच ऑफ स्पेस स्क्वीज किया है इस अमेजिंग। आप जब अंदर बैठते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप कोई बड़े से कार में बैठे हो। डैशबोर्ड बड़ा दिखता है, कंफर्टेबल है, स्पेशियस है। आई एम रियली इंप्रेस्ड विद द अमाउंट ऑफ स्पेस होंडा के जितने भी कार है, आप बैठो, जापनीज इंजीनियरिंग आपको उसमें देखने को मिलता है। वेरी स्पेशियस कार, वेरी एयरी कैबिन, यू विल एब्सोल्यूटली लव इट। इंटीरियर का डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आज के टाइम में सब लोग यूरोपियन डिज़ाइन के तरफ जा रहे हैं, फिफ्थ जनरेशन का थोड़ा यूरोपियन स्टाइल का इंटीरियर है, बट जो फोर्थ जनरेशन है वो एक प्रॉपर जापनीज स्टाइल का इंटीरियर ऑफर करता है, विद लॉट ऑफ कट्स एंड क्रीसेस। डैशबोर्ड थोड़ा सा टिल्टेड है ड्राइवर की तरफ, वेरी वेरी नाइस डैशबोर्ड। अभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एज हो गया है या डेटेड है, बहुत अच्छा डैशबोर्ड का डिज़ाइन है, क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, कहीं पे भी कोई भी रैटल आपको सुनाई नहीं देगा, प्रीमियम लगता है। सो डेफिनेटली थम्स अप टू होंडा फॉर दिस वेरी नाइस इंटीरियर डिज़ाइन, और बहुत अच्छा लगता है आपको बैठ के। इंजन के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को पता है, वन ऑफ द रीज़न लोग होंडा सिटी खरीदते हैं क्योंकि इसका जो 1.5 लीटर का आई वी टेक पेट्रोल इंजन है, इस अनमैच्ड, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजन ऑफ ऑल टाइम। जिस तरह से रेव्स बिल्ड करता है, जो आपको पावर फील होता है एट हायर रेव्स, द साउंड, इंजन नोट इज सुपर्ब। अगर आपने होंडा सिटी चलाया है और आपने उसको हायर आरपीएम में चलाया तो आपको पता होगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। हैंडलिंग इसकी बात करें तो शार्प हैंडलिंग है, बहुत ज़्यादा कंपोज रहता है। हाईवे पे चलाओ या सिटी में चलाओ, एक आपको प्रिडिक्टेबल लगता है। ऐसा नहीं है कि आपको शॉक करेगा या सरप्राइज करेगा या वेग है इसका हैंडलिंग, बिल्कुल नहीं लगेगा आपको। बहुत ज़्यादा शार्प और अच्छा हैंडलिंग है इसका, वन ऑफ दी बेस्ट हैंडलिंग कार्स इन दिस सेगमेंट अगेन। तो हैंडलिंग जो पसंद करते हैं उनको फिफ्थ जनरेशन में और फोर्थ जनरेशन में थोड़ा डिफरेंस पता चलेगा। जो ड्राइविंग पसंद करते हैं उनको, ड्राइविंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको डेफिनेटली डिफरेंस देखने को मिलेगा। फोर्थ जन का जो हैंडलिंग है, डायनामिक्स है, वो थोड़ा बेटर है। फिफ्थ जन का इंजन परफॉर्मेंस जो है और कंफर्ट है वो थोड़ा सा बेटर है। अब रीसेल की बात करें तो होंडा सिटी आप लेते हो तो रेस्ट एश्योर्ड आपको बहुत ज़्यादा डिप्रिसिएशन देखने को नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा रीसेल ऑफर करेगा। सेल करना है आपको 5-6 साल के बाद, बहुत अच्छा आपको वैल्यू मिलेगा। तो गो फॉर होंडा सिटी इफ यू आर प्लानिंग ऑन सेलिंग द कार इन द नियर फ्यूचर, फॉर श्योर बहुत अच्छा रीसेल है, कम प्रॉब्लम्स है, वेरी रिलायबल। बूट स्पेस बढ़िया है, आपको स्लोपिंग रूफ लाइन मिलता है, और ऐसा आप पीछे से देखते हो तो ऐसा लगता है कि इसका बूट छोटा है, बट आप जब बूट खोल के देखते हो तो बहुत ज्यादा आपको स्पेस देखने को मिलता है। वेरी वेरी स्पेशियस बूट, वेरी नाइस कार फॉर दैट, फॉर योर फैमिली, क्योंकि स्पेस के रिलेटेड आपको किसी तरह का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। फ्रंट सीट्स की बात करें तो फ्रंट सीट्स बहुत अच्छे हैं, आपको थोड़ा लंबार सपोर्ट देख लो या थाई सपोर्ट है, जो साइड बोल्स्टर्स है, शोल्डर रूम है, हेड रूम है, सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, आपको किसी तरह का फिटिंग महसूस नहीं होगा। अगर आप हाईवे में चलाने का प्लान करते हो, लॉन्ग ड्राइव करना है, तो बहुत कंफर्टेबल कार है। इस सेगमेंट में आपको SUVs भी मिलेंगे, मिनी SUVs, जैसे माइक्रो SUVs होते हैं, हैचबैक्स विद रेस सस्पेंशन, ऐसे कार्स मिलेंगे आपको, मे बी सेल्टॉस, सोनेट, वो सब कार्स में से अगर आप कंपेयर करोगे, सिटी सबसे ज़्यादा कंफर्ट आपको ऑफर करता है, एंड इवन वरना से बेटर है इसके सीट्स। सो आई थिंक पर्सनली अगर आप लेना चाहते हो एक सेडान, आई थिंक होंडा सिटी इज जस्ट मोर कंफर्टेबल। नेक्स्ट,
अब वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो इससे अच्छा आपको वैल्यू नहीं मिलेगा सेगमेंट में। एक तो ये है कि ये होंडा सिटी है और आपको रीसेल में प्रॉब्लम नहीं होता है। इस प्राइस में आपको इतने सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। हाँ, वो हाई फाई फीचर्स जो मे बी एयर प्यूरीफायर सिस्टम और मे बी वायरलेस ब्लूटूथ ऑटोमेटिक वाइपर्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलता है, बट जो चीज़ आपके कार में होना चाहिए वो सब कुछ आपको इस कार में मिलेगा और ठीक से वो काम भी करेगा। तो उस मामले में आई थिंक होंडा सिटी इज़ अ वेरी वेरी गुड कार एंड आई थिंक इट्स प्योर वैल्यू फॉर मनी। जैसा मैंने बताया, इंजन नोट एट हायर आरपीएम इज़ वंडरफुल। इसका माइलेज बहुत बढ़िया है क्योंकि आपको लोअर आरपीएम में अच्छा माइलेज देता है एंड एट हायर आरपीएम इट गिव्स यू अ गुड परफॉर्मेंस। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईवीटेक इंजन्स। इंसुलेशन की बात करें, रोड नॉइस और विंड नॉइस बहुत अच्छा कंट्रोल्ड है। आप कहीं पर भी हाईवे पे जाते हो लॉन्ग टूर के लिए, आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा। अंदर का जो कैबिन है वो बहुत क्वाइट है, कहीं पर भी कोई भी नॉइस आपको सुनाई नहीं देता है, रैटल भी आपको सुनाई नहीं देगा इंटीरियर के कोई भी पार्ट से। तो ये एक बहुत रिफाइंड एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए और आपके फैमिली के लिए। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी इज टॉप नॉच ऑन होंडा सिटी के जितने भी मैकेनिकल पार्ट्स है इज ऑल गुड क्वालिटी जैपनीज पार्ट्स, जिसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। जब आप ब्रेक्स यूज करते हो होंडा सिटी के, आपको एक रीअश्योरिंग सेफ सिक्योर फील आता है, तो ब्रेक्स भी इस कार में बहुत अच्छा है। अगर आप एक कीन ड्राइवर हो जिस तरह से मैं ड्राइव करता हूँ, मुझे ड्राइविंग बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ फॉर ड्राइविंग डायनामिक्स, मेरे लिए कम्फर्ट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है एंड एट द सेम टाइम मेरे लिए अननेसेसरी फीचर्स उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है मेरे को, जितने एयर प्यूरीफायर है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बताता है, टच स्क्रीन सिस्टम, वो सारी चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करता है। जब अगर स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स अच्छा है जो होंडा सिटी का बहुत बढ़िया है, इंजन अच्छा है जो आईवीटेक जाना जाता है इंजन परफॉर्मेंस के लिए, हैंडलिंग बहुत बढ़िया होना चाहिए, अगेन होंडा सिटी हैज़ ग्रेट हैंडलिंग, तो मेरे लिए ये परफेक्ट कार है। क्या आपके लिए परफेक्ट कार है, आप ये पूरा वीडियो देखने के बाद समझ गए होंगे। ठीक है, अभी भी आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप मुझे कभी भी मैसेज करके पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जैसे आप देख सकते हो नीचे, प्लीज़ फॉलो मी देयर एंड गिव मी सेंड मी अ मैसेज। आई विल सी यू सून गाइस, टेक केयर, ड्राइव सेफ ऑलवेज, बाय बाय।